We haven't killed anybody. We haven't committed any kind of atrocity. So there is no question of surrendering. We are getting arrested because we heard a rumor that the police is planning a door-by-door search, allegedly looking for 5 missing officers. So we don't want our people to suffer anymore. They have suffered for more than 400 days. And yesterday there was a huge violence unleashed on them. So we don't want them to suffer anymore. And we are going to get arrested and save our people. The movement has spread and become even more powerful. College students, youth, and other political parties are all taking up the cause. Since yesterday, there have been so many protest programs happening all over the country, and Tamil people are awake now. They will take the movement further. It's not only for us, but it's for the women, it's for the girls, it's for the women of the society. I think they are against us. So we want people's help. So we want our civil service, our security to secure us. That's all. मुंबई की कुछ सामाजिक संस्थाएं आज यहां पर बर्मा और आसाम में जो घटनाएं घट रही हैं उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए आजाद मैदान में जमा हुए थे और शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीजें हो गई थी, खत्म हो गई थी, उनके प्रदर्शन खत्म हो गए थे, लोग जा रहे थे और उस बीच में कुछ पथराव, पुलिस की गाड़ी और कहीं पे कुछ हुआ है, घटनाएं घटी हैं। अलग मीडिया की कुछ वैन को जलाया गया है, दो चार पुलिस बस की इस पे पथराव हुआ है, तो इस तरह की घटनाएं घटी हैं और वो जांच पुलिस कर रही है। बर्मा और आसाम में मुसलमानों के साथ बहुत और बर्मा की अगर फोटो देखेगा कोई इंसान होगा उसके बदन में एकत्र खून भी होगा तो वो चुपचाप बैठ नहीं सकता। तो इसके विरोध था लोगों को, मैं बधाई देता हूँ कि लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई, अच्छी बात है, लेकिन ये जो हुआ इसका बहुत गलत हो गया। ये आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए, कोई भी चाबी है, ये प्रजातंत्र है, प्रजा के हाथ में चाबी होनी चाहिए, वही चीजों को रखेगा, इधर का उधर वही करेगा, उसके हाथ में होना चाहिए, आम आदमी के हाथ में। हम चाहते हैं कि सारा देश मिलके इस देश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से मुक्त करे इस देश को, ताकि हमारा भारत वैसा ही भारत बने जैसे हमारे अमर शहीदों ने इसकी कल्पना की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत बने, ये यहाँ पे गरीब अमीर की इतनी दूरी ना रहे और सब लोगों को न्याय मिले, रोटी कपड़ा मकान सबको मिले। और सबसे बड़ा जो बात है वो करप्शन की है, सब मिलके अपना बहुमूल्य योगदान दें ताकि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो। हम लोगों में अब वो एक जोश है युवाओं में कि इस देश में जो 75% जनता गांव में निवास करती है, वो गांव की जनता इस दिल्ली की राजधानी में पधारी है झंडे लेने के लिए नहीं, झंडा को इस देश के विश्व के शिखर पर ऊंचा उठाने के लिए।
आए हैं हम सांस की शिक्षा होते हुए अपनी कुर्बानी देने के लिए। इससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं और दोनों भाई भाई हैं। मुझे लगता है कि ये लोगों का गुस्सा भी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार सारी हदें क्रॉस करता जा रहा है और जिस तरह से सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, मुझे लगता है ये लोगों का गुस्सा भी है। लाइट की समस्या, डीपी लेगा उठा को, पानी नहीं है, हमारी समस्या, हमारे पेट के लिए मतलब आंदोलन मतलब बना ही है तो आंदोलन, हम मतलब पानी में बैठे थे, हमारे संग अनरी थी मतलब कायदा किया, मतलब आज मतलब लेडीज के काम था ना, तो पुलिस वाले ने मतलब हमको हाथ पकड़ पुलिस के द्वारा करा, तो हमारी भी इज्जत के लिए, हम इज्जत के लिए थोड़ी गए थे। आज हमारे घर में हमको आंदोलन में मतलब जमीन चाहिए, अनुदान चाहिए, हमारे घर में पानी भरा गया, लाइट की व्यवस्था नहीं है, न डीपी ले गए उठा को, आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे, भूंगरी बना बना खा रहे। पानी के अंदर पिछले 15-17 दिनों से अपने आप को रख कर महिलाएं बुजुर्ग अपने आप को गला रहे, सड़ा रहे, अपने अपनी जान देने के लिए उतारू है, और उन लोगों के साथ अगर शिवराज सिंह की सरकार ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है, तो आज अडवाणी जी ने कहा है कि देश में आपातकाल की स्थिति है, तो आपातकाल की स्थिति तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, अडवाणी जी को आके यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ आपातकाल से भी ज्यादा बदतर स्थिति पैदा कर दी गई है, जहां पर आदिवासी किसानों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, महिलाओं को घसीटा जा रहा है, बदसलूकी की जा रही, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और हम सारे लोग इनकी मांगों के समर्थन में है। ये राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अध्यक्ष हैं दीक्षित साहब, ये आए एक दिन, आज तक वालों ने अपने चैनल पे चलाया था कि कुछ चोरी हो गई बैसाखियों की, अगले दिन ये दीक्षित साहब हमारे दफ्तर में आए 100 विकलांगों को लेके। इन्होंने कहा कि हमारे लिए जितना पैसा सलमान खुर्शीद जी की एनजीओ को दिया गया था बैसाखियों के लिए, ट्राईसाइकिल के लिए, सुनने की कान की मशीन के लिए, वो सारा पैसा चोरी हो गया। सौ दिन के अंदर ये केस को कन्विक्शन ट्रायल को कदम करना पड़ेगा, और महिला का पुलिस रेशियो है इसको बढ़ा करना पड़ेगा, अभी 6.5 है, इसको 50% के ज्यादा करना पड़ेगा। हम लोग संसद के अंदर घुसेंगे, हम लोग जो बोला वो करेंगे। हम लोग जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, हम चाहते हैं कि वो जितने भी रेप केसेस अब तक हुए, जितने भी नारियों के खिलाफ जितने भी क्राइम हुए, उन सबको सबकी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो, और अगर ऐसा शीला दीक्षित सरकार नहीं कर सकती है कुछ ही दिनों के अंदर, तो उनको कोई अधिकार नहीं है, उनका नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस सरकार को, सरकार की राज करे। अगर कल को इस लड़की को कुछ भी होता है तो इसका जवाब कौन देगा? हम मानते हैं कि इस खास रेप की घटना के लिए शीला दीक्षित पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये कह करके कि ये डीटीसी के बस में नहीं हुआ, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। ये प्राइवेट बस कैसे सड़क पर इस तरह से बलात्कारियों हैवानों से भरा हुआ चल रही है दिल्ली के सड़कों पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है अगर दिल्ली की सरकार जिम्मेदार नहीं है तो? बहुत मजबूर है सर, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये दिल्ली पुलिस जो हमारे सामने खड़ी है, जो हमें रोक रही है, अगर हम पब्लिक को आज परेशान भी कर रहे हैं तो इनकी वजह से ही कर रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभाई होती तो आज शायद हम यहाँ ना होते, अपने ऑफिस में काम कर रहे होते। तो हम ये चाहते हैं कि उनको मौत की सजा दे, और अगर आप अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो कम से कम उनकी भी आंतें निकाल दीजिए ऑपरेशन करके, जिस दर्द से आज वो लड़की बीत रही है, ताकि उन्हें पता लगे कि दर्द क्या होता है, और वो कभी कोई जिंदगी में ऐसा करने की दोबारा कोशिश ना करे।
अत्याचार रेप का बढ़ता आ रहा है। इसके लिए हम आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाले हैं। जो भी लड़की इस चीज से जूझ रही है, अब हम इस चीज से बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं। और ये शीला दीक्षित जो आए दिन अलग अलग बयान देती रहती हैं, वो उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनका कहना है ये कि लड़कियाँ कपड़े ऐसे पहनकर निकलती कि उनके साथ रेप होगा, ये जरूरी नहीं है। रेप तो 3 साल की बच्ची के साथ भी हो रहा है और 80 साल की बुजुर्ग के साथ भी हो रहा है। आज हम प्रोटेस्ट करें, जो दिल्ली में रेप केस हुआ है उसके पीछे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी वो लड़की है, कल को कोई और लड़की होगी, सबके साथ ऐसा होगा। इसीलिए किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए। और अगर आज ऐसा हो, अगर दिल्ली में ऐसा हो सकता है, फिर क्या, फिर तो हर कहीं ऐसा होगा। इसीलिए वहाँ प्रोटेक्शन अगर होगी तभी बाकी स्टेट्स में भी प्रोटेक्शन होगी। इसीलिए उनको फांसी देनी चाहिए, ना कि उम्र कैद। आज हमने रैली निकाली थी उस लड़के के इंसाफ के लिए जिसका दिल्ली के अंदर रेप कर दिया गया, उसे बांधे उसको पीटा गया। हम यह चाहते हैं उनको उम्र कैद, उनको उम्र कैद दें, उनको फांसी दें, ताकि ये बच्चे भी के लिए हो, आगे से ऐसा ना करें। आवाज सुना के रहेंगे।